From the Chughtai Lab platform and from the Marham.pk platform. हम पिछले दो तीन हफ्तों से एक कैंपेन कर रहे हैं रिगार्डिंग विटामिन डी अवेयरनेस. विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में, तो इसलिए वी फेल्ट के इट वॉज नेसेसरी कि इसके ऊपर बात की जाए, बिकॉज इट इज़ समथिंग जिसको आराम से जा सकते हैं. तो आज इस सेशन का मकसद यही है कि विटामिन डी और विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में सवाल जवाब हों जाए और साथ कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए. कुछ लोग ऑलरेडी सवाल पूछ चुके हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैट के दौरान, इस लाइव सेशन के दौरान आप और सवाल आप भी कमेंट्स में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम ऑल्सो. साथ साथ आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे सोर थ्रोट को एक्सक्यूज करेंगे बिकॉज दिस सेशन वॉज ऑलरेडी स्केजूल्ड टू बी लाइव टूडे इन द आफ्टरनून, इसलिए हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं एंड लाइव में ऐसे ही होता है. ओके, सो विटामिन डी क्या है और विटामिन डी डिफिशेंसी क्या है? विटामिन डी इज, उसका नाम विटामिन है जो 1920s 1930s में सबसे पहले पता चला था कि एक ये भी एक मॉलिक्यूल है. असल में उसका नाम तो विटामिन रख दिया गया लेकिन असल में इट्स अ हार्मोन और इसका सबसे ज़्यादा रोल है बोन्स में, बोन्स की स्ट्रेंथ में, बोन्स के मेटाबॉलिज्म में और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में. जो सबसे ज़्यादा वेल अंडरस्टूड रोल है विटामिन डी का वो ये है कि आपके खाने में जो विटामिन डी होता है, जो आपके खाने में जो कैल्शियम होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन और फिर उसकी डिपॉजिट होना आपकी बोन्स में ताकि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाएँ, उसके अंदर विटामिन डी का बहुत स्ट्रांग रोल है. अगर विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम ना खाने से अब्जॉर्ब होती है ना बोन्स के अंदर जाती है. सो ये तो हो गया सबसे बेस्ट अंडरस्टूड रोल ऑफ विटामिन डी. अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो जो उनकी ग्रोइंग बोन्स हैं वो वक्त के साथ साथ बच्चे वजन नहीं बर्दाश्त कर सकती तो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाता है. और अगर बड़ों में एडल्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, साथ ही साथ बोन पेन और वीकनेस भी शुरू हो जाती है. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट अंडरस्टूड रोल ऑफ विटामिन डी. तो ये तो बहुत सारे लोगों को मालूम है. जो चीज़ें नहीं मालूम थी और जो आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10-15 सालों में नई रिसर्च के साथ इंकशाफ हुआ है वो ये है कि विटामिन डी एक तो सिर्फ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं विटामिन डी की जिनके हम बात करेंगे. और दूसरी बात यह कि कुछ रिसर्च के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 75% लोग, मर्द या ख्वातीन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रखते हैं. तो ये क्यों है और इसका पता कैसे चलता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इन सारों के बारे में हम बात करेंगे. हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के सेशन में मरहम डॉक्टर के से नौरीन और चुगताई लैब से सल्तनत. तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑफ कैमरा सवाल भी पूछेंगे एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. जी नौरीन. सर, देयर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन कि जो विटामिन डी है, अगर हम सनस्क्रीन यूज करें, अगर हम सनस्क्रीन यूज करते हैं तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन एडिक्वेटली नहीं होती और हमारी जो बॉडी के अंदर हम कैल्शियम का इनटेक करते हैं उसका हमारी बोन्स को फायदा नहीं होता. तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि उस्मान लगारी का भी ये सवाल था कि आप इस चीज पे करें कि हमारी बॉडी में एक तो विटामिन डी किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह एक्टिव फॉर्म में आता है और क्या सनस्क्रीन यूज करने से कोई इफेक्ट पड़ता है इसकी एब्जॉर्प्शन पे. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और पूरा समझाने को ना टाइम है ना उसकी ज़रूरत है. सिंपल थिंग्स टू कीप इन माइंड, विटामिन डी कुछ सोर्सेज फूड के भी हैं और विटामिन डी आपकी स्किन में भी बनता है जब आप सन एक्सपोजर होता है, आपको जब आपकी स्किन को सन एक्सपोजर होता है. ज़रूरी बात यह है कि सन एक्सपोजर के अंदर जो एडिक्वेट अल्ट्रावायलेट लाइट है जो कि एक्चुअली विटामिन डी को एक्टिवेट करती है और प्रोड्यूस करवाती है, वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर सके.
और अगर आप सिर्फ SPF 15 यानी बहुत बेसिक सा भी सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो वो अल्ट्रावायलेट रेज 90% तक ब्लॉक हो जाती हैं और आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। फिर आप सूरज में जितना मर्जी घूमते फिरते रहें, आपकी स्किन में वाइटमिन डी नहीं बन रहा। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि विटामिन D1 का क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट तरीकों से इसको इंटेक किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगेन विदाउट कंफ्यूजिंग एवरीवन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विटामिन डी एक्चुअली अवेलेबल कितना है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, एंड दैट फॉर्म इज विटामिन D3। सो जब भी हम बात करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की, वी आर टेस्टिंग फॉर विटामिन D3। उससे पता चलता है कि विटामिन डी इस वक्त ब्लड में कितना है जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ विटामिन डी जो है वो बॉडी में स्टोर भी होता है और शेप्स में इन अदर वेज, जिनमें से एक विटामिन D2 भी है। तो अगर आपने असेस करना हो कि बॉडी में टोटल रिजर्व्स कितने हैं विटामिन डी के, क्योंकि आप विटामिन डी बना के रखा हुआ है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि इनएक्टिव विटामिन डी बॉडी में फैट में स्टोर हो जाता है, तो और फिर अगर एक्सरसाइज की जाए और फैट सेल्स को तोड़ा जाए तो विटामिन डी उधर से निकल के तो एक्टिवेट होता है। तो उसको असेस करने के लिए आप विटामिन D2 या टोटल विटामिन किया जा सकता है, बट फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस फॉर डे टू डे टेस्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू असेस विटामिन डी डेफिशिएंसी इज विटामिन D3। जी ठीक है सर, जिस आपने बताया कि एक्सरसाइज के थ्रू और फूड के थ्रू हम एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह सप्लीमेंट्स होते हैं तो देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी कि जो अगर आपकी सनलाइट की इंटेक इतनी नहीं है या डाइट ठीक नहीं है तो अगर आप सप्लीमेंट्स लें तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं, तो ये किस हद तक एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है और हमें क्या विटामिन डी सप्लीमेंट्स पे सोली रिलाय करना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स या किसी भी सप्लीमेंट्स पे आप सोली रिलाई नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी हेल्थ सिचुएशन के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो, कोई इलनेस हो, डायबिटीज़ की मिसाल ले लें तो डायबिटीज़ को अगर आपने मैनेज करना हो तो आप सिर्फ दवाई पे रिलाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने फूड हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो सिर्फ आप हार्ट की दवाई पे रिलाई नहीं कर सकते कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी एक्टिविटी ठीक करने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज को ऐड करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें और करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कि अगर फिजिकल एक्टिविटी करें तो जो स्टोर्ड विटामिन डी है और अवेलेबल है। इसी तरह सूरज में अगर आप सिर्फ रोज़ 15-20 मिनट भी अगर आप सूरज में गुजार लें, अच्छी सनलाइट का एक्सपोजर हो, तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ विटामिन डी प्रोडक्शन इन द स्किन। हाँ, उसके बावजूद अगर फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और होती है और उसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ, तो इन दैट केस सप्लीमेंटेशन से विटामिन डी की लेवल को सप्लीमेंट किया जा सकता है और वो करना चाहिए अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। विटामिन 3 जो होते हैं इस डी है, इसके लिए काफी सारे सप्लीमेंट्स भी यूज होते हैं एंड इंजेक्शंस भी होते हैं, व्हाट डू यू प्रेफर इज द बेस्ट वे, फूड से हमें करना चाहिए इसको कवर या वेदर वी शुड यू नो टेक सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट? सो लाइक आई सेड, फूड सोर्सेज एंड व्हिच इज फोर्टिफाइड मिल्क, इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब हम कहते हैं फोर्टिफाइड तो इससे क्या मुराद है? सबसे पहले जब विटामिन डी डेफिशिएंसी का पता चला तो विटामिन डी डेफिशिएंसी थी बच्चों में, एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी को फिक्स करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के बोन्स वीक थी, बच्चों की बोन्स में रिकेट्स जो एक बीमारी है जिसमें बोन्स वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं और बेंड करना शुरू हो जाती हैं, और साथ साथ बच्चों के दांत भी ख़राब हो रहे थे, बच्चों की ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही थी। तो उस वक़्त तमाम बच्चों की पॉपुलेशन को विटामिन डी का सप्लीमेंट पिलाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक और चीज़ की जा सकती थी कि वो ऐसी खुराक जो बच्चे वैसे ही लेते हैं डेली
फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फॉर एग्जाम्पल सीरियल, अगर कॉर्नफ्लेक्स, अगर उनके अंदर वाइटामिन डी ऐड कर दिया जाए तो सब तमाम बच्चों को विटामिन डी की एक डोज मिल सकती है डेली। इसीलिए लेट 1930s में, 1940s में मिल्क में, सीरियल में, ऑरेंज जूस में विटामिन डी ऐड करना शुरू कर दिया गया। इसीलिए अब अगर आप सुपरमार्केट जाएं तो जो आप विटामिन, जो आप ऑरेंज जूस लेंगे या मिल्क लेंगे, उसके अंदर कई दफ़ा लिखा होता है इसके अंदर पर ग्लास इतने इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी हैं। सो फोर्टिफाइड फूड या फोर्टिफाइड मिल्क या फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट द क्वेश्चन इज दैट इनफ। सो आपका फूड, आपका सन एक्सपोजर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, तमाम चीज़ें आपके विटामिन डी लेवल को इन्हांस कर रही हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद विटामिन डी की कमी है तो देन यू नीड टू सप्लीमेंट इट। अब सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप अगर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप अपनी हैबिट बना लें और आप डेली एक सप्लीमेंट की टैबलेट ले लिया करें, उस तरह कर लें। अगर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप वंस मंथ एक इंजेक्शन ले लें तो डू दैट, लेकिन वन वे और दी अदर अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी है तो उसको करेक्ट ज़रूर करें। अगर पूरे लाइफ टाइम इफ वी लुक एट इट, तो अगर 15 टू 20 मिनट्स का एक्सपोजर हो सनलाइट पे, तो जो कंट्रीज हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहाँ पे हमारे ज़्यादातर सीजन समय पे होते हैं, वी हैव गुड सनलाइट, तो इन्हीं कंट्रीज के अंदर स्किन कैंसर का इंसिडेंस भी ज़्यादा होता है। तो अगर विटामिन डी से रिलेटेड सन का एक्सपोजर देखा जाए, तो क्या 15 टू 20 मिनट्स हमारे स्किन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को एक कैटेगरी में मौसम के लिहाज से तो कर सकते हैं, सनलाइट के लिहाज से तो शायद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हम लोग, उनकी स्किन ब्राउन है, वाइट नहीं है, विच मीन्स कि हमारी स्किन ऑलरेडी प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट सन डैमेज। तो ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर जितना होता है, पाकिस्तान में उससे 1/10 भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कल्चरली, रिलीजियसली, जनरली हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर्ड रखते हैं कंपेयर्ड टू ऑस्ट्रेलिया और अदर वेस्टर्न कंट्रीज। सो अगेन, स्किन कैंसर का रिस्क इज नॉट अ रीज़न टू नॉट गेट इनफ विटामिन डी। यू अगर आपको 15-20 मिनट का एक्सपोजर होगा सूरज का, सूरज की शुआओं का, तो मेरे ख्याल में आपका स्किन कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ेगा, नोइंग आवर पॉपुलेशन, नोइंग आवर ओवरऑल क्लोथिंग हैबिट्स एंड नोइंग आवर स्किन कलर। साथ ही साथ कीप इन माइंड का ये कॉमेंट्री नहीं है कि कपड़े किस तरह के पहने जाएं, किस तरह के नहीं पहने जाएं। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपको मालूम है कि आपके रिलीजियस नॉर्म्स में और इस तरह की स्किन कलर में और इस तरह की डाइट के बाद आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशेंसी है, तो उसको सप्लीमेंट्स के जरिए कवर कर लिया जाए। दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग। फेसबुक पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू टेस्ट विटामिन डी। नो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि विटामिन डी को कितनी दफा चेक करना चाहिए। अगेन, थिंक ऑफ विटामिन डी लाइक यू थिंक ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो जब बढ़ा हुआ है एक, तो तब पता चलता है कि बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। फिर आइडियली जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दे विल स्टार्ट सम फिजिकल एक्टिविटी, दे विल ट्राई टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, दे विल ट्राई एंड डू ऑल्टर के वो पराठे शायद कम खा लें होपफुली, एंड मे बी स्टार्ट वॉकिंग डेली। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा ऑल्टर करें, अपनी फूड हैबिट्स को थोड़ा ऑल्टर करेंगे, और उसके बाद फिर 3 months down the road, 4 months down the road, वो एक फॉलोअप कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाना चाहेंगे टू सी कि ये तमाम चीज़ें करने से कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर फ़र्क पड़ा हो
लेकिन फिर भी नॉर्मल ना हुआ हो तो एट दैट टाइम मे बी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन कैन बी एडेड. द सेम इज ट्रू विद वाइटामिन डी इन रिवर्स. अगर किसी को पता चले कि उनका वाइटामिन डी लेवल कम है तो ये सही सारी चीज़ें करें, अपने फूड के अंदर वो वाले फूड्स ऐड करें जो वाइटामिन डी रिच हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, ऑरेंज जूस, फिश. अपने हैबिट्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें, अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर सन एक्सपोजर को शामिल करें. उसके बाद 3-4 महीने के बाद चेक कीजिए कि आपकी विटामिन डी लेवल इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई. अगर तो इम्प्रूव हुई है दैट इज़ फैंटास्टिक. अगर इम्प्रूव हुई है लेकिन अभी भी डेफिशिएंट है तो देन मे बी इट इज़ टाइम टू स्टार्ट एडिंग सम सप्लीमेंट्स. क्योंकि हमने सिर्फ एक दफ़ा उस 30 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके नॉर्मल नहीं करना, हमने फिर उसको नॉर्मल रेंज में मेंटेन भी करना है. सो दैट इज द आइडिया. हमारे फोरम पे उसमें सजाद ने एक सवाल पूछा था कि जिस तरह जो विटामिन डी है वो ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर किसी के अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन से लेट्स सपोज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो क्या इवन दो उसके दूसरे रीजंस भी हैं लेकिन अगर उनको अपने विटामिन डी के इंटेक को सप्लीमेंट करें, अगर उनकी विटामिन डी के लेवल्स भी लो हैं तो क्या उससे रिवर्सल हो सकता है? इज देयर 100% कोरिलेशन बिटवीन दीज एसोसिएशंस दैट No, read on no. Also keep in mind that in scientific terms, there is a difference between correlation and causation. As in, one thing is कि किसी को breast cancer हुआ और साथ ही उनको vitamin D की deficiency भी थी, और दूसरी चीज़ जो कही जा रही है वो ये है कि उनको vitamin D की deficiency थी इसलिए उनको cancer हुआ. ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही. The only thing that is said, the only thing that research has showed so far is that if there are two patients, for example, and both have breast cancer, one is vitamin D deficient and one has good strong levels of vitamin D, the person who has good strong high levels of vitamin D is more likely to live longer, to have better outcome and better response to treatment for cancer. So vitamin D supplementation is not a treatment for cancer. It supports the person in fighting cancer. Instagram pe Saba Ishtiaq hai. She is asking ki mera vitamin D level is normal but mera high hai PTH level. So iski kya reasoning ho sakti hai? The PTH level high hone ki reasons do teen hai. PTH level can be high because the parathyroid hormone is primarily making too much parathyroid hormone. It can also be because of kidney disease. जिसकी वजह से एक्सक्यूज मी किडनी का फीडबैक नहीं मिल रहा प्रॉपर और पीटीएच लेवल एलिवेट होता चला जा रहा है. आई वुड रिकमेंड दैट शी शुड गेट हर यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल्स चेक्ड टू सी व्हाट हर किडनी हेल्थ इज लाइक एंड देन सी ईदर एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एन नेफ्रोलॉजिस्ट. सर एक और सवाल है कि वी हैव अ पेशेंट जिनका पहले विटामिन It is very important to remember that there is no one magic medicine which can cure everything. Everything, every molecule, every vitamin, every hormone has a role. Hamara kaam ye hai ki wo tamam cheeze jinka role hai wo tamam ek sufficient quantity mein available ho body mein taki ek healthy life jee ja sake. Ab agar unki back mein already kuch problems ho chuke hain then she should definitely see an orthopedic surgeon जो कि उनको काउंसिल कर सके कि कितना डैमेज हो चुका हुआ है बैक को और फर्दर प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी के अलावा और क्या क्या दवाई ली जा सकती है. अगर हमारा विटामिन डी लेवल को अगर हम स्टडी करें अपने इंडिविजुअली तो बच्चों में क्या लेवल होना चाहिए, वुमेन में क्या होना चाहिए, मेन एंड जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होना चाहिए बेसिकली लेवल एग्जैक्ट? तो विटामिन डी लेवल को एट ऑल टाइम्स इट शुड बी अबव 30 नैनोग्राम्स पर एमएल. हमारी जो
जो पहले आपकी लैब रिपोर्ट है उसके अंदर हम इसको एक स्केल पे देते हैं जिसके अंदर देर इज अ रेड जोन, देर इज अ येलो जोन एंड देन देर इज अ ग्रीन जोन. जो ग्रीन जोन है इट इज़ फ्रॉम 30 to 100 नैनोग्राम्स पर एमएलएम. तो वेदर दे आर चिल्ड्रन, वेदर दे आर यंग एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स और एल्डरली पीपल, एवरीवन शुड हैव विटामिन डी लेवल्स अबव 30 नैनोग्राम्स पर एमएलएम. ठीक है सर. उसके अलावा एक दो लोगों ने ये भी फेसबुक पर पूछा है कि विटामिन डी कितनी दफ़ा टेस्ट होना चाहिए अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो. हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, वी आर टेकिंग प्रॉपर इनटेक्स, कितनी देर से चेक करते रहना चाहिए, टेस्ट कब कब करवाना चाहिए? अगेन इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस. अगर उसको करेक्ट कर लिया है फिर तो आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें की तो करेक्ट किया है. तो इट इज़ योर चॉइस कि आपको वो आप उसको वंस ए ईयर मॉनिटर करना चाहते हैं, वंस टू ईयर्स मॉनिटर करना चाहते हैं. लेकिन अगर अभी आपने आपको पता चला कि डेफिशिएंसी है और आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की हैं और उसके बाद आपने फॉलो अप किया है तो उसके बावजूद लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद सन एक्सपोजर को ऐड करने के बावजूद अभी भी विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं हुई, एक दफ़ा उनको नॉर्मल कर लें. वेदर आफ्टर ऑल दीज एक्सरसाइज एंड सन लाइट एक्सपोजर एंड देन इफ नीडेड सप्लीमेंट्स और उसके बाद फिर एक बार नॉर्मल हो जाए फिर आप बेशक वंस ए ईयर वंस एवरी टू ईयर्स मॉनिटर कर लें. दैट इज एंटायरली अप टू यू. एक और सवाल ये है कि क्या जो हेयर लॉस होता है जिस तरह मर्दों में, क्या वो लिंक्ड है विटामिन डी डेफिशिएंसी से और उसकी और मतलब क्या मैनिफेस्ट हो सकता है? सो विटामिन डी का ताल्लुक उस चीज से है जिसका ताल्लुक कैल्शियम से है, जिसमें बोन्स भी हैं, जिसमें हेयर भी है और जिसमें टीथ भी हैं. तो यस एब्सोल्युटली विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन हैव अ रोल. अगेन द एम्फेसिस इज ऑन रोल. It is not the magic bullet. It is not the one miracle vitamin. अगर सिर्फ इसको ठीक कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर इसको ठीक कर देंगे तो बहुत सारी और चीज़ें भी बॉडी के लिए आसान हो जाएंगी. उस्मान यूसुफ लाहौर से पूछ रहे हैं कि माई विटामिन डी लेवल इज 17.7 विद हाई कोलेस्ट्रॉल, व्हाट टू डू? सो हाई कोलेस्ट्रॉल एंड लो विटामिन डी दे कैन बोथ बी फिक्स्ड बाय एक्सरसाइज. And if you do exercise outdoors in the sun, then they will both be fixed very quickly. Generally, the logon ne pucha hai ki hamare agar zyada hoga vitamin D level, to usko normalize karne ke liye hame kya karna padega again? So vitamin, that's a good question. Ki vitamin D ki ek normal level ki ek range bhi to hai na. 100 nanograms ke upar agar chala jaye vitamin D, fir kya hota hai? What research has showed is that vitamin D level agar 100 se 120 tak bhi chala jaye, 130 tak bhi chala jaye, 140 tak bhi chala jaye, so there is no significant toxicity. Uske upar agar toxicity hoti hai to that is in the shape of hypercalcemia, as in too much calcium in the body. Humne pehle lab mein jitne test kiye hain less than 1 to 2% of the people have had levels above 100 and less than 0.5% of people have had levels jahan pe toxicity ka khatra ho. So that is to keep in mind. It is very hard to take your vitamin D level to a point jahan pe unko toxicity shuru ho. Agar toxicity ho vitamin D ki, that is in the shape of body aches and pains again because of too much calcium in the body. Rumesa Khan from Karachi. What is the possibility of vitamin D toxification if you have a weak kidney? My level is 5 and I'm prescribed 5000 IUS once a week. Okay, so if your level is 5, you definitely need to supplement the vitamin D level. Regarding your weak kidneys, jo aap vitamin D le rahe hain, that is not going to negatively impact your kidneys. Are you once a week or you can take 1000 IU every day? Even those levels are still considered fairly low levels of supplementation because some patients now take 5000 IUs per day. So keep that in mind. Having said that, aapke jo kidney specialist hain unko updated rakhiye regarding your vitamin D intake and your vitamin D level so that he can monitor the kidneys. एक और लेडी है जिन्होंने पूछा है इफ आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ एंड माय विटामिन डी लेवल इज अ बिट लो,
So is it going to affect me or my baby? If you're expecting, research has showed that vitamin D ki agar deficiency ho, to a couple of things are at increased risk of happening. One of which is gestational diabetes, as in diabetes which develops during pregnancy. Another thing ke bacche ki development mein thodi kami aa sakti hai. So the best thing to do is of course to supplement vitamin D. But other things you can do to keep in mind is that vitamin D is not the only vitamin that you need in pregnancy. If you're pregnant, please make sure that your vitamin B12 and your folic acid levels are also checked and they are at good levels, because those two vitamins, vitamin B12 and folic acid, are very important to have a healthy child. Gulamna Facebook pe pooch rahi hai, besides natural resources, resources, which is the best medicine for vitamin D or calcium ke liye hum le sakte hain supplement? I cannot recommend any one particular type of supplement. I would recommend that you try kijiye 2-3 brands, jo bhi aapko pasand aaye, jisko bhi aap, sabse acha supplement wo hai jo aap regularly le rahe. So whatever works for you. Thank you so much, Dr. Thank you so much for joining us for this live session. It was a lot of fun. Again, our team here ran a campaign about vitamin D deficiency and vitamin D awareness. We hope it has been useful for you. We hope that you have learned something and gained some knowledge out of this. We are dedicated to providing health information that is useful for our patients and for the general public. And we will keep coming back to you with more information. Ab tak ke liye bahut shukriya aapka. Thank you.